हेलो दोस्तों, हमारी चैनल कुकला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे करौना का अचार। देखिए, मैंने 250 ग्राम करौना ले लिया है। ये बरसात में मिलता है, दो कलर का होता है ये। इसे धोकर साफ कर लिया है, इसे काट लेंगे। इसमें जो बीज है ये पीला पीला, इसे निकाल देंगे इस तरह से। अगर आप बीज नहीं निकालेंगी तो ये कसैला हो जाता है, इसलिए बीज ज़रूर निकाल दें इस तरह से। कि मैंने करौने का सारा बीज निकाल लिया है, फिर से धोकर साफ़ कर लिया है। चलिए बनाते हैं। इसे थोड़ा सा तेल में पका लेंगे। एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। करौने को इसी तेल में हल्का सा कलर बदलने तक भून लेंगे। अधिक तेल नहीं डालना है। देखिए, मैंने लगभग एक मिनट इसे भून लिया है। गैस बंद कर देंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह एकदम ठंडा होने देंगे, तब मसाले मिलाएंगे। देखिए, करौना एकदम ठंडा हो गया है। मसाले मिलाएंगे। एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। करौना खट्टा होता है इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दो चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अचार मसाला, दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ये 50 ग्राम का चम्मच है, इसी चम्मच से एक चम्मच तेल डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। सारे मसाले, हल्दी, नमक, तेल सब अच्छी तरह से मसल मसल कर मिला लें। ये अचार खराब नहीं होता है, साल भर तक आप स्टोर करके रख सकती हैं। इसमें धूप दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अचार तुरंत ना खाएं, एक से दो दिन इसे अच्छी तरह पक जाने दें। इसी मसाले तेल में अच्छी तरह पक जाएगा, तब खाने में टेस्टी लगता है। हमारा करौना का अचार बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे एक साल तक स्टोर करके रखेंगी, ख़राब नहीं होता है ये। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये करौना का अचार कैसा लगा। थैंक यू।